हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ भानीराम डाल। वेलकम बैक इन एग्रीकल्चर सक्सेस भानीराम डाल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज अपने डिस्कशन करने जा रहे हैं हॉर्टिकल्चर की पोमोलॉजी के एक इंपॉर्टेंट क्रॉप आंवला। आंवला का जिक्र आपने आयुर्वेद में भी सुना है और इधर अपने एज ए फ्रूट भी डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है और इसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से इसको आयुर्वेद के अंदर अमृत फल के नाम से भी जाना जाता है और हॉर्टिकल्चर में भी एक इंपॉर्टेंट क्रॉप है। देखिए, विटामिन सी के अपने सोर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा जो विटामिन सी पाया जाता है वो बारबंडस चेरी में पाया जाता है, 1400 से 1600 मिलीग्राम। अब बारबंडस चेरी है जो एक मतलब थोड़ा वाइल्ड टाइप का फ्रूट है, इजिली अवेलेबल भी नहीं है, तो विटामिन सी का हमारे पास बढ़िया जो सोर्स है, बढ़िया सोर्स की बात करें तो वो आंवला ही होता है। चलो स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले अपने बॉटनिकल नेम, बॉटनिकल नेम जो है वो है एम्बेलिका ऑप्शिनेलस, एम्बेलिका ऑप्शिनेलस, ओ आर नहीं है, ओ डबल एफ आई सी आई एन ए एल आई एस ऑप्शिनेलस। और इसका जो पुराना नाम था वो था फाइलेंथस एम्बेलिका। कुल है वो इसका U4VSE। U4VSE अगर अपने एग्रीकल्चर क्रॉप में जाओगे तो U4VSE कुल के अपने को कुछ और भी क्रॉप्स मिल जाती है, जैसे मैं बात करूँ U4VSE की कैस्टर है या फिर जेट्रोफा है, यानी जो अरंडी है या फिर रतन जोत है, वो भी U4VSE से ही बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है इसका ओरिजिन पैलेस, उत्पत्ति स्थल है वो है इंडिया, भारत इसका उत्पत्ति स्थल है। गुणसूत्र संख्या की बात करें तो 2n = 4x = 28, यानी टेट्राप्लोइड है, चार गुणित है। अगर बेसिक क्रोमोसोम नंबर पूछ ले यानी अगुणित गुणसूत्रों की संख्या पूछ ले तो अगुणित गुणसूत्रों की संख्या होती है 7, 7 * 28। नेक्स्ट बात करें फल के प्रकार की तो फल का प्रकार होता है कैप्सूल। देखो, जिसके अंदर सिगमेंट बने होते हैं, जिनमें सिगमेंट होते हैं, उनको अपने कौन से प्रकार का फ्रूट बोलते हैं, कैप्सूल टाइप का फ्रूट बोलते हैं। देखिए, ये सिगमेंट बने होते हैं, इस तरह के ये सिगमेंट आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा जैसे आपने देखा होगा भिंडी के अंदर सेगमेंट होते हैं, अरंडी के अंदर यानी कैस्टर के अंदर सेगमेंट होते हैं, या फिर रतन ज्योत की अगर आपने देखा है, उसका फ्रूट देखा है, तो उसके अंदर भी अलग अलग सेक्शन से बने होते हैं, सेगमेंट बने होते हैं। या फिर मैं कॉटन की बात करूँ कपास की, तो उसमें भी अलग अलग खांच सी बनी होती है, या फिर अफीम जो पॉपी है उसमें भी सेगमेंट बने होते हैं। तो इस टाइप के जो फ्रूट होते हैं उनको कैप्सूल टाइप का फ्रूट कहा जाता है। तो आंवला के अलावा और किस कौन कौन सी जो क्रॉप है उनमें कैप्सूल टाइप का फ्रूट होता है, अभी मैंने आपको काउंट करवाया, जैसे अरंडी यानी कैस्टर, रतन ज्योति यानी जेट्रोफा, उसके अलावा ओकरा यानी भिंडी, और पॉपी अफीम, और उसके अलावा कॉटन यानी कपास के अंदर ही फ्रूट टाइप होता है, वो कैप्सूल होता है। नेक्स्ट है पुष्पक्रम का जो प्रकार है वो सोलेटरी पुष्पक्रम है। सोलेटरी बहुत सारी क्रॉप में देखने को मिलता है। जो खाने योग्य भाग होता है, एडिबल जो पार्ट है, एडिबल जो पार्ट है वो मीजोकार्प और एपिकार्प यानी मध्य फल भित्ति और बाह्य फल भित्ति होता है। नेक्स्ट अपने और जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया में जो सबसे ज्यादा आंवले का जो प्रोडक्शन होता है उत्तर प्रदेश में होता है, यूपी में। क्षेत्रफल एरिया भी यूपी में ही है और प्रोडक्शन भी किसका, यूपी का है। राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में जो जयपुर डिस्ट्रिक्ट है उसमें सबसे ज्यादा आंवला प्रोडक्शन होता है। अगर मैं बात करूँ राजस्थान में बेर और जो आंवला है उसकी जो मंडी है वो चौमो के जो आंवला होते हैं वो काफी फेमस होते हैं। नेक्स्ट, अभी अपने पीछे बात कर रहे थे कि आंवला है जो विटामिन सी का बहुत ही बढ़िया सोर्स है, पर 100 ग्राम आंवला में आपको 600 मिलीग्राम विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड मिल जाता है। वैसे सबसे जो रिच है वो तो है बारबंडस चेरी, बारबंडस जो चेरी है उसके अंदर आपको जो मिलेगा वो लगभग 1400 से लेकर 1600 मिलीग्राम तक विटामिन सी कंटेंट मिल जाता है, और आंवला के अंदर होता है वो विटामिन प्रति 100 ग्राम में 600 मिलीग्राम तक होता है। उसके बाद अमरूद आता है, अमरूद में लगभग 299 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम तक मिल जाता है। आंवले में जो कसेलापन का कारण होता है वो टैनिन होता है, टैनिन के कारण आंवले में कसेलापन होता है। आंवला द्विलिंगी यानी मोनोसियस स्वभाव का होता है। मोनोसियस का मतलब क्या होता है, एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल फ्लावर्स पाए जाते हैं, मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग लोकेशन पे पाए जाते हैं। एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल फ्लावर है वो अलग अलग लोकेशन पे मिलेंगे तो उसको अपने मोनोसियस या द्विलिंगी बोलते हैं। जो मोनोसियस है या डायोसियस है यानी जो पौधा द्विलिंगी या एकलिंगी होता है उसमें हमेशा ही क्रॉस पोलिनेशन होता है। तो इसमें भी जो पोलिनेशन होता है वो क्रॉस पोलिनेशन होता है, पोलिनेशन बाय विंड होता है, हवा के द्वारा पोलिनेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, ये अभी अपने बात कर ही चुके थे, पोलिनेशन है वो अपने को विंड से देखने को मिलेगा। आंवला का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, आयुर्वेद में खूब इसका उपयोग होता है, उसके अलावा मुरब्बा, कैंडी बनाने में, अचार बनाने में, त्रिफला बनाने में, च्यवनप्राश बनाने में। देखो, यहाँ त्रिफला आयुर्वेद की एक पुरानी औषधि में से एक औषधि है त्रिफला। त्रिफला का मतलब तीन फलों से जो बनकर बनी, आंवला, हरड़ और बहड़ा, इन तीनों से जो मिलकर बनती है उसको त्रिफला बोलते हैं। मुरब्बा यानी प्रिजर्व आप जानते ही हो, जो सूखा मुरब्बा होता है उसको कैंडी बोलते हैं। उसके अलावा पिक्कल अचार है, उसके अलावा च्यवनप्राश है। बाकी बाबा रामदेव आने के बाद आंवला की जो पॉपुलरिटी है वो वैसे ही बढ़ गई है।
आजकल एडवर्टाइजमेंट अपने एडवर्टाइजमेंट में अपने देखते हैं दो गुट की बात है, एक आंवला का और एक एलोवेरा का, तो ये दोनों ही क्रॉप है, ये आयुर्वेद में काफी इंपोर्टेंस रखने वाली क्रॉप है। नेक्स्ट अपने बात करें क्लाइमेट की, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट का है और ड्रॉट क्लाइमेट में भी हो जाता है, शुष्क जलवायु में, यानी सब ट्रॉपिकल में जो ड्रॉट एरिया है वहाँ पे बहुत बढ़िया प्रोडक्शन दे देता है। उसके अलावा इसको ट्रॉपिकल में भी लगा सकते हैं और 46 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक इसमें किसी तरह का कोई भी लॉस देखने को नहीं मिलता है, यानी हाई टेम्परेचर को भी क्या कर लेता है, टॉलरेट कर लेता है, सहन कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। सोयल की बात करें तो सभी प्रकार की मृदाओं में लगा सकते हैं, लेकिन जो भारी मिट्टी होती है, क्ले ज्यादा, जो ज्यादा क्ले का कंटेंट होता है वहाँ इसके लिए सुटेबल नहीं है। बाकी सैंडी जो लॉमी सॉइल है वो सबसे सुटेबल होती है, बाकी हर प्रकार की सॉइल में इसको लगा सकते हो। हाई पीएच पर इजिली ग्रो किया जाता है, इसलिए अपने बोलते हैं सारी मृदाओं के प्रति सहनशील होता है, यानी बेसिक सॉइल के टॉलरेंट होता है। अगर अपने पीएच की बात करें तो पीएच होता है सुटेबल 6.5 टू 9.5 पे, लग्जरी ग्रोथ देखने को मिलती है, यानी अच्छी ग्रोथ इसको इस पीएच मान पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपने बात करें वैरायटी की, वैरायटी में सबसे पहले वैरायटी आती है बनारसी, अर्ली वैरायटी है ये, और जो प्रिजर्व मुरब्बा बनाने के लिए सबसे बढ़िया है और सबसे पॉपुलर वैरायटियों में से एक वैरायटी है बनारसी। दूसरी वैरायटी है चकया, इसमें जो इंटरनल नेक्रोसिस होती है उसकी प्रॉब्लम नहीं पाई जाती है, लेकिन क्या है इसमें अल्टरनेट बियरिंग, एकांतर फलन, एक साल अच्छा फलन, एक साल कम फलन देखने जैसी प्रॉब्लम पाई जाती है, अल्टरनेट बियरिंग यानी एकांतर फलन की इसमें समस्या देखने को मिलती है। वैसे तो अल्टरनेट जो बियरिंग है आम की मुख्य समस्या है, लेकिन आपसे पूछ ले आंवले की कौन सी किस्म में देखने को मिलती है, तो चकाया में देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करूं मैं फ्रांसिस, फ्रांसिस का जो दूसरा नाम है वो हाथी झूल, फ्रांसिस का जो दूसरा नाम है वो है हाथी झूल, इसमें आंतरिक उत्तक से की समस्या सर्वाधिक देखने को मिलती है। नेक्स्ट है कंचन, कंचन को NA4 के नाम से भी जाना जाता है, NA का मतलब होता है नरेंद्र आंवला, नरेंद्र देव जो यूनिवर्सिटी फैजाबाद यूपी की, वहां से ये विकसित की जाती है। शुष्क क्षेत्रों के लिए सबसे बढ़िया है, सेमी एरिड रीजन के लिए सबसे बढ़िया है, और चकेया के चेन से तैयार की गई, सिलेक्शन मेथड से तैयार की गई वैरायटी है चकेया, सॉरी कंचन, कंचन का जो सिलेक्शन है वो चकेया से किया गया है। नेक्स्ट है NA6, इंपॉर्टेंट वैरायटी है नरेंद्र आंवला 6, चकेया के चेन से तैयार की गई कैंडी बनाने के लिए, यानी सूखा मुरब्बा बनाने के लिए सबसे बढ़िया है, मुरब्बा बनाने के लिए सबसे बढ़िया बनारसी है, और सूखा मुरब्बा यानी कैंडी बनाने के लिए सबसे बढ़िया है वो NA6 है, यानी नरेंद्र आंवला 6 है। NA करके कोई भी वैरायटी आ जाएगी 100% आंवला की होगी, NB करके आ जाए तो नरेंद्र बील बनता है, वो बील की वैरायटी होगी, तो NA करके जो भी वैरायटी आएगी आपके एग्जाम में वो आंवला की होगी। नेक्स्ट अमृत, अमृत का जो दूसरा नाम है वो NA6 यानी नरेंद्र आंवला, सॉरी 7, NA7, अमृत का दूसरा नाम है वो NA7 यानी नरेंद्र आंवला 7 है, ये फ्रांसिस के चेन से तैयार की गई, प्रोसेसिंग के लिए बढ़िया है, प्रोसेसिंग करने के लिए बढ़िया है। नेक्स्ट अपने वैरायटी की बात करें तो नीलम, नीलम को NA9 के नाम से भी जानते हैं, नरेंद्र आंवला 9 के नाम से भी जानते हैं, बनारसी के चेन से तैयार की गई है। नेक्स्ट NA5, ये भी बनारसी के चेन से तैयार की गई है, बनारसी के सिलेक्शन से तैयार की गई है। नेक्स्ट है बलवंत, बलवंत है वो आगरा से विकसित की गई किस्म है आगरा। नेक्स्ट है उसके अलावा गुजरात आंवला, गुजरात आंवला है, उसके अलावा नई वैरायटियों में लक्ष्मी 52 भी है, उसके अलावा आनंद 1 है, आनंद 2 है, आनंद 3 है, BSR1 है, इसको भवानी सागर भी कहा जाता है, ये भी एक नई वैरायटियों में से एक वैरायटी है। नेक्स्ट उसके अलावा गोमा ऐश्वर्या है, ये भी एक नई वैरायटी है, ये डेवलप की गई है CIAH से, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, बीकानेर से डेवलप की गई है CIAH, ये है बीकानेर के अंदर, वहां से विकसित की गई है। उसके अलावा अगर अपने बात करें किस्मों का वर्गीकरण, अगेती अर्ली वैरायटी, जिनमें फलन मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर में हो जाता है उनको अर्ली वैरायटी अगेती किस्में कहा जाता है। ये अपने हैं बनारसी है, नीलम है, कृष्णा है, NA10 यानी नरेंद्र आंवला 10 है, ये अगेती किस्मों में आते हैं। नेक्स्ट आते हैं मध्यम किस्म या मिड वैरायटी, जिनमें फलन मध्य नवंबर से लेकर मध्य दिसंबर तक होता है उसको अपने मिड वैरायटी कहा जाता है। इनके एग्जांपल है फ्रांसिस, अमृत और कंचन, ये जो वैरायटियां हैं ये मिड सीजन की वैरायटी कहलाती है। नेक्स्ट है पचेती किस्म यानी लेट वैरायटी, इनमें जो फलन है वो मध्य दिसंबर से लेकर मध्य जनवरी तक होता है, इसके एग्जाम्पल है चकेया और NA6, NA6 बोले तो नरेंद्र आंवला 6, ये वैरायटी है। देखिए जो ये वैरायटी है इनको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो, देखो वैरायटी कौन सी है, बनारसी, चकाया, फ्रांसिस या हाथीजूल बोल देते हैं, कंचन, NA6, NA7, नीलम, NA5, बलवंत, गुजरात आंवला, लक्ष्मी 52, आनंद 1, आनंद 2, आनंद 3 और भवानी सागर, गोमाहेश्वर्य। अब देखो आप इनको ट्रिक से कैसे याद करोगे, बनारस और गुजरात के नीलम, कृष्ण, आनंद, कंचन, लक्ष्मी और ऐश्वर्या,
चिकने होकर यानी तैयार होकर, चिकने होकर हाथी पर मस्ती से, हाथी झोल बोलते हैं ना जिसको, हाथी पर मस्ती से भवानी सागर, हाथी पर मस्ती से फ्रांस के भवानी सागर से, फ्रांस के भवानी सागर से अमृत लाने गए। तो लगभग सारी वैरायटी आ जाएगी। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, बनारस व गुजरात के नीलम, कर्षण, आनंद, कंचन और लक्ष्मी चिकने होकर हाथी पर झूलते हुए फ्रांस के भवानी सागर से अमृत लाने गए। तो आंवला की सारी वैरायटी इस ट्रिक में आ जाएगी। फिर अपने इनका सीजनल जो क्लासिफिकेशन है वो कर लिया। नेक्स्ट जो बात आती है, आंवला एक पर्णपाती पौधा है यानी डेसिडियस प्लांट है। ये भी कौन सा? ग्रीष्म पर्णपाती। इसकी पत्तियां हैं वो गर्मियों में झड़ती है, न कि सर्दियों में झड़ती है। ज्यादातर जो पौधे हैं उनकी सर्दियों में पत्तियां झड़ती है, सर्दी को सहन करने के लिए, डोरमेंसी जिसको बोलते हैं, लेकिन ये ग्रीष्म पर्णपाती है। आंवले में जो फ्लावरिंग टाइम है वो मार्च अप्रैल है, प्रूनिंग का समय वो फरवरी मार्च है, और ट्रेनिंग की विधि है वो केंद्रीय अगर प्रवाह प्रणाली। देखो आंवला ही एक ऐसा पौधा है जिसके अंदर सेंट्रल लीडर सिस्टम ट्रेनिंग मेथड लेते हैं, बाकी में तो मॉडिफाइड लीडर सिस्टम लिया जाता है, क्योंकि इसकी पत्तियां छोटी होती है, पत्तियां छोटी होती है तो इसके अंदर केंद्रीय अग्र प्रणाली सेंट्रल जो लीडर सिस्टम है वो सबसे सुटेबल रहता है। बाकी मैंने ट्रेनिंग और प्रूनिंग वाले में ये कंप्लीट समझाया हुआ है भी कौन सा सेंट्रल लीडर सिस्टम है, कौन सा ओपन लीडर सिस्टम है, कौन सा मॉडिफाइड लीडर सिस्टम है। आंवला के लिए जो सबसे बढ़िया है वो केंद्रीय अग्र प्रवाह प्रणाली है। नेक्स्ट प्रवर्धन की बात करें तो जो प्रवर्धन का सबसे बढ़िया तरीका है वो है पेच बडिंग, पेच कली का सबसे बढ़िया। जिनकी छाल मोटी होती है उनके लिए बडिंग के अंदर सबसे सुटेबल रहता है पेच बडिंग, तो इसके लिए सबसे बढ़िया है वो पेच बडिंग है। प्रवर्धन का जो समय प्रोपोगेशन का टाइम है वो जुलाई अगस्त है। पौधरोपण दूरी रखते हैं 9x9, गड्ढे का आकार रखते हैं 1x1x1 मीटर यानी 1 घन मीटर का गड्ढा खोदते हैं। पौधरोपण का जो समय है वो जून जुलाई यानी मानसून सीजन है वो सबसे बढ़िया रहता है। नेक्स्ट अपने बात करें इरीगेशन, तो इरिगेशन गर्मियों में 10-20 डेज यानी 10 से 20 दिन के अंतराल में ठीक रहता है, सर्दियों में 20 से 30 दिन के अंतराल में सबसे बढ़िया रहता है। अगर आंवले में हाई डेंसिटी प्लांटिंग करनी है तो आप लाइन से लाइन के डिस्टेंस रखो 8 मीटर और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस रखो 4 मीटर। अगर प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, पौधे से पौधे की दूरी लाइन से लाइन की दूरी से आधी होती है या आधी से कम होती है तो उसको हेज रो सिस्टम बोलते हैं। अपने ये कह सकते हैं कि आंवले के अंदर जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग करते हैं, सघन खेती करते हैं, तो उसके लिए हेज रो सिस्टम अपने काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग टाइम, 3 से 4 जो साल होती है एज होती है उसमें ये फलन देना शुरू कर देता है, और नॉन क्लाइमेटरी के पकने पर ही तोड़ते हैं, अपने हल्का हरा रंग हो जाता है तब तोड़ देते हैं। लेकिन जो अच्छा उत्पादन है वो 10 साल के बाद देता है, और 10 साल के बाद का जो पेड़ है, एक पेड़ से आप लगभग 160 से 180 किलो आंवला प्राप्त कर साल का मतलब रिसीव कर सकते हो, इतनी हो जाती है, इसकी इतनी उपज हो जाती है। नेक्स्ट है आंवले के मुख्य कायिक के विकार, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। देखो आंवले का मुख्य कायिक के विकार है वह फ्रूट नेक्रोसिस। फ्रूट नेक्रोसिस को हिंदी में उत्तक से भी बोलते हैं, ये बोरोन की कमी के कारण देखने को मिलता है, जैसे ये आप यहाँ पे देख रहे हो फ्रूट नेक्रोसिस। आंवले का सबसे खतरनाक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये बोरोन की कमी से होता है। तो इसके नियंत्रण के लिए अपने बोरेक्स का छिड़काव करेंगे जो सोल्यूबल फॉर्म में आता है यानी परणीय छिड़काव यानी पॉलियर एप्लीकेशन के लिए आता है। जनरली तो लगभग और क्रॉप में तो जब भी बोरेक्स डाल लेते हैं तो अपने 0.2% का उपयोग करते हैं, लेकिन जब इसमें अपने बोरेक्स डालते हैं तो 0.6% का उपयोग करते हैं। और ये जो छिड़काव है वो सितंबर के प्रथम सप्ताह में कर देना चाहिए, और फिर 15-15 दिन के अंतराल में 2-3 बार कर दोगे तो ये अपने को डिसऑर्डर देखने को नहीं मिलेगा यानी फ्रूट नेक्रोसिस नहीं देखने को मिलेगा। अगर कीट की बात करें आंवले के जो इंसेक्ट है, तना भेदक सबसे खतरनाक कीट है, इसका जो जूलॉजिकल नेम होता है इंटरबेला क्वाड्री नोट टाटा, ये आंवले का मुख्य कीट होता है। कभी कभार इससे 80% तक भी नुकसान देखने को मिल जाता है। कीटनाशी का छिड़काव करते हैं इसके नियंत्रण के लिए, जैसे 0.05% मेला मिथाइल पैराथियन का छिड़काव करते हैं तो नियंत्रण हो जाता है। उसके अलावा सूट गॉल मेकर है, वो भी इसका एक इंसेक्ट है, बेटोनोसा स्टाइटोफोरा इसका जूलॉजिकल नेम है। मिली बग भी लगता है, निपो कोकस वेस्टेटेटर जो है इसका जूलॉजिकल नेम। उसके अलावा लीफ रोलिंग कैटरपिलर है, वो भी इसको नुकसान पहुंचाता है। ग्रासिलेरिया एसिडुला जो इसका जूलॉजिकल नेम है। तो ये मेन मेन इंसेक्ट है जो आंवला को नुकसान पहुंचाते हैं। अब नेक्स्ट अपने बात करते हैं आंवले का मुख्य रोग। आंवले के जो मुख्य रोग है उनमें जो सबसे खतरनाक रोग है वो रस्ट रोग यानी रोली रोग है। यह रेवेनेलिया एम्बेलेसी नामक फंगस से होता है। रेवेनेलिया जो है कॉक है उसके कारण होता है, और इसके नियंत्रण के लिए अपने डायथेन Z78 के 0.2% का छिड़काव कर देते हैं तो इसका नियंत्रण हो जाता है। रस्ट का मतलब अपने जैसे लोहे पे बोलते हैं ना, रस्ट लग गया यानी काट बोल देते हैं कई या जंग बोल देते हैं, तो उस तरह के स्पॉट हो जाते हैं। ये स्पॉट को अपने देखेंगे माइक्रोस्कोप द्वारा तो अपने को ऐसा देखने को मिलेगा, ये छोटे छोटे धब्बे पड़ जाते हैं उनको रस्ट, ये आंवले का सबसे खतरनाक रोग है। उसके अलावा आंवले में फ्रूट रॉट भी देखने को मिलता है यानी फल
फल सड़न रोग है, ये फ्रूट रोट देखने को मिल रहा है आपको। ये होता है पेनिशिलियम ऑक्सेलिकम नामक या फिर पेनिशिलियम आइसेलेंडिकम जो स्पीसीज है उसके द्वारा देखने को मिलता है, इससे भी काफी नुकसान हो जाता है। लेकिन जो मेजर डिजीज है वो रोली है, रस्ट है, और सेकंड जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, फ्रूट रोट है। तो देखो दोस्तों, अगर मेरे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।